भाई साहब पिछली वीडियो में काफी बंदे भाई कंप्लेन कर रहे थे कि जो ग्लिच है मिनी कैरेक्टर वाला वो फिक्स हो गया है। तो यार अब मैं आपके लिए फिर से मिनी कैरेक्टर का ग्लिच लेकर आ गया हूँ। तो यार बड़ी ही मेहनत से ढूंढा है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। फिर आप बाद में यार कमेंट में गालियाँ निकालते हो और फिर उल्टी सीधी बातें बोलते हो, फिर बोलते हो कि भाई ग्लिच है जो वो वर्क नहीं किया। तो भाई पूरी वीडियो देखा करो, फिर वीडियो को देखने के बाद फिर कमेंट किया करो, ठीक है। बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाई है और इस वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर देना। और भाई साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब आप इस मिनी कैरेक्टर ग्लिच को ट्राई करते हो तो यार आप चिकन डिनर करने की क्यों सोचते हो। यार इस ट्रिक से ना आप अगर चाहो तो यार 4 दिन में काउंटर जा सकते हो, पर आप क्या करते हो कि चिकन डिनर निकालते हो, फिर आप पर रिपोर्ट्स पड़ती हैं और इस ग्लिच को फिक्स कर दिया जाता है। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। इस ग्लिच को अगर यहीं पे अगर ये फिक्स करता रहो तो यार मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये निकालना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब हमेशा की तरह अब आपको करना क्या है कि बाइक आपको इस तरीके से लगानी है, ठीक है। आप अगर बाइक इस तरीके से लगाओगे ना तो आपकी बाइक जो है वो जल्दी अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से अपना जायरोस्कोप ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद अब आप नीचे देख सकते हो मैंने अपनी हेल्थ कितनी कम की है। तो आपके पास कम से कम 2 से 3 बैंडेजेस होनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक बैंडेज अप्लाई करनी है, फिर आपको दूसरी बैंडेज भी अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने के बाद अब आपको यहाँ पे ड्रिंक यूज करनी है, एनर्जी ड्रिंक। जैसे ही वन थोड़ा सा टाइम रह गया होगा आपको सीधा ट्रांसफॉर्म पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही मिनी यहाँ पे थोड़े से इंसेक्ट में जैसे ही आप कन्वर्ट हो जाओगे, तो कन्वर्ट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड का आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये ड्राइव और गेटिंग का ऑप्शन आपके साथ ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके पास जाकर आपको सीधा गेट इन करना है। गेट इन करने के बाद आपको अपनी बाइक कुछ इस तरीके से बाहर निकालनी है। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, फिर आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप बाहर आओगे, बाहर आने के बाद आपको सीधा ट्रांसफॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपके साथ ये ग्लिच हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये ग्लिच होगा ना तो यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम, ये ग्लिच तो यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, लेकिन दोस्तों ट्राई करना कि आप इसमें किल्स कम निकालो, ठीक है। और अगर आप चाहो, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से यूज़ करो ना तो यार आपको मैं क्या बताऊँ, आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि आप कॉन्करर आप 4 दिन में जा सकते हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कॉन्करर किया है इसलिए बोल रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो ना और वीडियो को लाइक करना, और ये वीडियो बिल्कुल भी कॉपी